कोरोना का टीका लेने के बाद में भी कोरोना हुआ, इसके बारे में बातचीत करने वाला हूं। देखिए, अभी कोरोना का टीका बहुत ज्यादा प्रमाण में दिया जा रहा है। शुरू में काफी लोगों को दिया, जो हेल्थ वर्कर्स थे, कोरोना योद्धा थे, उनको दिया गया। फिर अभी 60 साल की उम्र के ऊपर के लोगों को और 45 साल के ऊपर के लोगों को दिया जा रहा है, जिनको बाकी कोई बीमारी है साथ साथ उनको दिया जा रहा है। कोरोना का टीका देने के बाद में भी एक मेरे करीब के व्यक्ति है जिनको पहला टीका 1 महीना पहले हुआ, उसके 28 दिन बाद में दूसरा टीका हुआ और उसके 16वें दिन बाद में कोरोना हुआ। इसका मतलब ही यह है, और कोरोना डायग्नोज है, रिपोर्ट है। इसका मतलब यह है कि कोरोना टीका लिया है, कोरोना वैक्सीन लिया, तो कोरोना होगा नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। मतलब हो सकता है, और हमने केयर लेना ही चाहिए। मास्क का वापर, सैनिटाइजेशन, बार बार हाथ धोना, डिस्टेंसिंग, ये सब करना होगा। कोरोना नहीं होगा ऐसी कोई गारंटी है नहीं, और आपको कोरोना नहीं होगा तो कम से कम आप लोगों को दे भी सकते, फिर आप कैरियर बन सकते, लोगों को दे सकते, समझो आपको कोरोना नहीं हुआ तो। हाँ, टीका का एक ही फायदा हो सकता है कि टीका लेने के बाद में, वैक्सीन लेने के बाद में कोरोना के लक्षण बहुत कम प्रमाण में होंगे, सीरियस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, कि भाई कोरोना से सीरियस हुआ और प्रॉब्लम हो गया, मर गया, ऐसे चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अदरवाइज कोरोना टीका लिया, इसका मतलब कोरोना होगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे इंसिडेंसेस हो रहे हैं, कोरोना टीका लेने के बाद में भी कोरोना हो रहा है, और एक बार कोरोना होने के बाद में भी दूसरी बार कोरोना हुआ है। तो ये लोगों ने बहुत ही खबरदारी लेना जरूरी है और बहुत केयर लेना जरूरी है। और ये वीडियो ज़्यादा से लोगों को शेयर करो, ताकि लोग है ना वैक्सीन के बाद में वैक्सीन के सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे कि अभी हमको कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।